हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कोलगेट के 6 अमेजिंग ब्यूटी हैक्स, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कोलगेट से आप अपने पिंपल्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक 1 टेबल स्पून कोलगेट लीजिए। दूसरी चीज, आप इसके अंदर हनी ऐड कर लीजिए। जितना आपने कोलगेट लिया है उसी ही मात्रा में आप इसमें हनी ऐड कर लीजिए। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। वैसे तो आप खाली कोलगेट को भी लगा सकते हैं, बट हनी के यूज करने से ये हरी स्किन के लिए सूटेबल है। इसको हरी स्किन वाले यूज कर सकते हैं। इससे सच में ही पिंपल्स हमारे दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आप अपनी फिंगर की सहायता से जहां पर भी आपके पिंपल्स हैं आप इसको वहां पर इस तरह से लगा लीजिए। आपको पूरे फेस पर इसको नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लगाइएगा जहां पर भी आपके पिंपल्स हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से लगाने के बाद आप अपने पिंपल्स पर इसको अच्छे से एक रात के लिए लगे रहने दें। उसके बाद जब आप सुबह उठें तो आप अपने फेस को वॉश कर लें। ऐसा एक हफ्ते तक करने से आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपको बताती हूँ आप कैसे अपनी लिप्स को एक ही बार में पिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच आप कोलगेट ले लीजिए, ज्यादा आपको नहीं लेना है। और उसके अंदर आप 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब आपको इसे लगाना कैसे है, आप एक ब्रश ले लीजिए। आपको ऐसा ब्रश लेना है जिसके दांत बहुत ज्यादा मुलायम हो। तो आप इसको कोलगेट को इस तरह से लें। लेने के बाद आप अपने लिप्स पर इसको इस तरह से रब करते रहिए। बहुत हल्के हल्के हाथों से रब करना है आपको, बहुत हल्के हाथों को यूज करना है। 1 मिनट तक करना है आपको इस तरह से, 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये सूखने लगे तब आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट तक इस तरह से करने के बाद आप अपने होठों को पानी से वॉश कर लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके लिप्स बहुत ज्यादा पिंक हो गए हैं। और आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताएंगे कि हमारे लिप्स इससे बहुत ज्यादा पिंक हो गए हैं। अब तीसरे स्टेप में आपको बताती हूँ आप किस तरह से अपने स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1/2 चम्मच कोलगेट ले लें और इसमें इसी ही इतनी ही मात्रा में विक्स ऐड करें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, अब आपको इसे लगाना कैसे है, इसको आप अपने फिंगर की सहायता से लेकर आप इसको वहां लगाएं जहां पर आपकी स्ट्रेच मार्क्स हैं। इस तरह से आपको इसे नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगाना है, इस तरह से लगाना है। मान लीजिए आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स है तो आपको इस तरह से लगाना है। और उसके बाद आप पूरी रात के लिए इसे ऐसे छोड़ दें। उसके बाद जब आप सुबह उठें तो आप वॉश कर लें। ऐसा आपको 1 से 2 हफ्ते करना है। 2 हफ्ते के अंदर इस तरह से करने से आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो पूरी तरह से वो खत्म हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने डार्क सर्कल को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1/2 टीस्पून कोलगेट लें। कोलगेट आपको ज्यादा नहीं लेना है, 1/2 चम्मच ही कोलगेट लेना है। और इसके अंदर आपको ऐड करना है 1/2 चम्मच कॉफी। 1/2 चम्मच कॉफी इसके अंदर आपको ऐड करना है। तो 1/2 चम्मच कॉफी ले लिए हमने और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अभी अच्छे से मिल चुकी है। अब इसके अंदर हमें एक चीज और ऐड करनी है, वो है एलोवेरा जेल। तो आप इसके अंदर 1/2 चम्मच ही एलोवेरा जेल ऐड करें। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब आपको इसे लगाना कैसे है, आपको एक कॉटन लेना है। कॉटन लेने के बाद आप इसको हल्का सा टिप करें, ज्यादा नहीं करना है आपको। हल्का सा इस तरह से टिप करने के बाद आप अपने डार्क सर्कल पर इस तरह से इसको लगा लें। लगाने के बाद कॉटन से ही 2 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। जब आप मसाज करेंगे तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आप अपनी आंखों पर मसाज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कॉटन अपनी आंखों पर फेर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मूथ पेस्ट बन जाता है। आप खुद जब इसको ट्राई करेंगे तब आपको खुद लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ पेस्ट है। जब 2 मिनट तक आप इस तरह से कर लें तो आप इसको 15 से 20 मिनट इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी आंखों को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको अपनी आंखों पर बादाम ऑयल लगाना है। तो बादाम ऑयल आपको लगाना किस तरह से है, आप अपने फिंगर पर इस तरह से लें। लेने के बाद इस तरह से अपनी फिंगर की सहायता से आपको मसाज करनी है अपने आंखों पे इस तरह से।
फ्रेंड्स बिलीव मी, ये इससे आपके डार्क सर्कल 2 हफ्ते के अंदर ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुद ही ट्राई किया है इसको और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फ्रेंड्स कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो आपकी त्वचा पर जितनी भी डेड सेल्स होती हैं, यानी चेहरे पर जितनी भी डेड सेल्स होती हैं, उन्हें ही रिमूव करती है। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखेगा और आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसके अंदर कोलगेट का इस्तेमाल बहुत ही बहुत ज्यादा कम करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा सा कोलगेट लें, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको इसे कितना इस्तेमाल करना है। और सेकंड चीज हम इसके अंदर ऐड करनी है आधा चम्मच नमक। अब नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स, अगर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर पानी डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। आपको इसे अपने नोज पर ब्रश की सहायता से लगाना है। तो किस तरह से लगाना है, सबसे पहले आप ब्रश पर इस तरह से ले लें। लेने के बाद आप इसको अपनी नोज पर इस तरह से लगाएं, जहां पर भी आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं आप इसको वहां पर लगाएं। 5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से रफ करें उस एरिया पर। इस तरह से करने के बाद आप जब 5 मिनट हो जाए तब आप अपने नोज को वॉश कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड जो है वो रिमूव हो गए हैं, थोड़े बहुत रिमूव हो गए हैं। आपको इसका फर्स्ट बार में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको इसका मैं लास्ट स्टेप बताऊंगी जिसमें आप अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 1 चम्मच कोलगेट लेना है और 1 चम्मच आपको इसके अंदर बेसन ऐड करना है और 1 चम्मच शुगर ऐड करना है, यानी कि चीनी। और आप इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। याद रहे फ्रेंड्स, अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो आप इसके अंदर पानी का यूज़ ना करें, आप इसके अंदर कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इसके अंदर कितना ज़्यादा टाइट पन आ गया है, और इसी पन की वजह से इससे हमारे अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो अब आपको इसे यूज़ किस तरह से करना है, आप इसको इस तरह से ले लें और आप इसको अपने हैंड पर या पैरों पर आप इसको लगाएं। इस तरह से आपको इसे हेयर की अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, इस तरह से। लगाने के बाद जब ये सूख जाए, 15 से 20 मिनट के बाद जब ये सूख जाए, तब आपको इसे रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट के बाद अब आपको इसे रिमूव किस तरह से करना है, इस तरह से रिमूव करना है। जब आप इस तरह से इसको रिमूव करेंगे आप देखेंगे कि आपके हेयर रिमूव हो रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इसी तरह से छुड़ाते रहें। इसी तरह से आप अपने हाथ पैरों से इसको रिमूव कर लीजिए और जब बाद में थोड़ा सा बच जाए तब आप इसको पानी से वॉश कर लीजिएगा। आप रिजल्ट देखें कि मैंने इस हाथ पर कोलगेट का यूज आपको इसी हाथ पर करके दिखाया था। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर है मेरे दोनों हाथ में। फ्रेंड्स ये थे मेरे 6 अमेजिंग ब्यूटी हैक्स कोलगेट के, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स आप इनमें से एक जरूर ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको इनमें से एक की जरूरत है तो आप इसको एक जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये सारे आपकी स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी मैंने ऐसा ऐड नहीं किया है जो आपको नुकसान दे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है और जितनी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं, आपको उतनी ही मात्रा में आपको इनको लेना है और आप कोलगेट का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप पिंपल्स के लिए कोई और टूथपेस्ट लेना चाहते हैं तो वो है बबूल, आप उसका यूज करें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। बाय बाय।